स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होगा? ए न्यूजीलैंड, बी इंग्लैंड, सी साउथ अफ्रीका, डी अफगानिस्तान। आंसर बी इंग्लैंड। एक्सप्लेनेशन, भारत 24 जून 2024 को सेंट लुसिया में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। 27 जून 2024 को गुयाना में सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अगला प्रश्न, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए जगन मोहन रेड्डी, बी जेपी नड्डा, सी ओम बिरला, डी के सुरेश। आंसर सी ओम बिरला। एक्सप्लेनेशन, ओम बिरला को एक बार फिर लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। बता दें कि नई मोदी सरकार के लिए पहले शक्ति परीक्षण में विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ अपने उम्मीदवार के सुरेश को मैदान में उतारा था। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। वह दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने वाले छठे स्पीकर है। अगला प्रश्न, जून 2024 को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता एलओपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए मल्लिकार्जुन खड़गे, बी केसी वेणुगोपाल, सी सोनिया गांधी, डी राहुल गांधी। आंसर डी राहुल गांधी। एक्सप्लेनेशन, 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता एलओपी के रूप में राहुल गांधी को नियुक्त किया गया। 2014 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था, क्योंकि कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया था। अगला प्रश्न, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ए 20, बी 25, सी 27, डी 29। आंसर डी 29। एक्सप्लेनेशन, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 29 पदक के साथ 8वें स्थान पर रहा। मेजबान रूस 266 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में टॉप पर रहा। बेलारूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 2024 ब्रिक्स गेम्स रूस के कजान में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न, केरल विधानसभा द्वारा पारित केरल राज्य का नया प्रस्तावित नाम क्या है? ए केरलम, बी केरला, सी केरलम, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए केरलम। एक्सप्लेनेशन, केरल विधानसभा ने 24 जून को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव किया गया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रथम अनुसूची में इस परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को लागू करने का आह्वान किया। केरल शब्द मलयाली भाषा के केरलम शब्द का अंग्रेजी रूप है।